हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान वर्ल्ड। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। हम अपना कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर फर्स्ट? हमारे आसपास के पदार्थ, क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, जिसके हम पहले टॉपिक कर चुके हैं पदार्थ की विशेषताएँ, पदार्थ के कणों की विशेषताएँ और पदार्थ की जो तीन अवस्थाएँ हैं ठोस, द्रव, गैस, उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनमें अंतर किया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब ये तीन अवस्थाएं आपस में बदल सकती हैं, एक से दूसरे में बदलती रहती हैं। कैसे बदलती हैं वो अभी मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले जब ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती हैं तो जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वो आप कीजिएगा। एक नंबर में अक्सर आ जाता है ये कि देखिए यहाँ पे ठोस से द्रव बनने की जो प्रक्रिया, जिस तरफ तीर का निशान है उस तरफ वो प्रक्रिया हो रही है, ठोस से द्रव बनने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं संगलन। द्रव से गैस बनना, वाष्पीकरण, ये तो आपने सबने देखा होगा कि पानी से भाप बन जाए, वाष्पीकरण होता है। अब गैस से ठोस बन जाए सीधा निक्षेपण, ठोस से गैस बन जाए ऊर्ध्वपातन। पहले ये इधर वाली समझिए कि ठोस से द्रव बनना पिंगलना, जिसे कहते हैं संगलन बोलते हैं उस प्रक्रिया को, द्रव से गैस बनना वाष्पीकरण है। लेकिन अगर उल्टी लेके आएंगे प्रक्रिया को, गैस से द्रव बनाएंगे तो संगलन होगा और द्रव से ठोस तो जमना, ये पिंगलना, ये जमना, ठीक है। अब एक और प्रक्रिया उसके अलावा, ठोस से कई बार सीधी गैस बन जाती है, द्रव ये अवस्था गायब हो जाती है, सीधा ठोस से द्रव, सॉरी ठोस से गैस, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है, और कई बार गैस से सीधा ठोस बना देते हैं जिसे कहते हैं निक्षेपण। तो ये तीन अवस्थाएं हैं जो आपस में अंतरारूपांतरण इनका होता रहता है, आपस में एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती हैं, ठीक है। तो ये परिभाषाएं आप जरूर याद कर कीजिएगा। जैसे आपसे पूछे संगलन की परिभाषा दीजिए तो आप क्या कहेंगे कि ठोस से द्रव में बदलना संगलन कहलाता है। आपसे कोई पूछ रहे निक्षेपण को परिभाषित कीजिए, निक्षेपण क्या है? गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण। और ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन। इस तरीके से आप ये सारी याद कीजिएगा, सारी परिभाषा अलग अलग जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस कैसे बदलता है, कैसे बनती हैं ये अवस्थाएं, आप देखिए इधर। ये आपकी जो ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनने की दो प्रक्रियाएं दिखाई हुई हैं। पहली है बर्फ ले ली हमने, बर्फ को जल में बदल रहे हैं, मतलब ठोस से द्रव में, और यहाँ से जल के वाष्प बना रहे हैं तो जल से द्रव से गैसीय अवस्था में बदल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बिल्कुल साधारण से प्रयोग होंगे, ये बर्फ को पानी में कैसे बदल सकते हैं, उसे पिघला दें, पिघलेगा कैसे जब हम उसे तापमान देंगे बाहर से। ये बर्नर है और एक बीकर में रख दी हमने बर्फ और उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। ये कांच की छड़ इसलिए रखी हुई है, ये है कांच की छड़, ये कांच की छड़ किस लिए रखी, ये देखिए आप, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये कांच की छड़ इसमें रखी हुई है इसको हिलाने के लिए। उसके बाद एक थर्मामीटर रखा हुआ, थर्मामीटर स्टूडेंट्स आपको सबको पता होगा क्या काम आता है, ये तापमापी बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये तापमान को मापने के काम आता है। घरों में जैसे बुखार हो जाता है तो हम रखते भी हैं, और डॉक्टर रखते हैं, डॉक्टर जाते ही सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में थर्मामीटर डाल के चेक करते हैं हमारा तापमान क्या है शरीर का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको गर्म करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये बर्फ जो है पिघलती चली जाएगी। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि बर्फ हमेशा 0 डिग्री पर पिघलती है। कितने डिग्री पर? सेल्सियस तापमान पर पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलती है। तो वो कम से कम तापमान जिस पर कोई भी ठोस, जैसे ये बर्फ है, पिंगल के द्रव बनने लग जाता है, द्रव बन जाता है पूरी तरह, उसे क्या कहते हैं? गलनांक, मतलब वो चीज़ पूरी तरह गल गई है। क्या कहते हैं उस तापमान को? गलनांक बोलते हैं, ठीक है। वो तापमान जिस पे कोई भी ठोस पिंगल के क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है, क्या कहलाता है वो तापमान? गलनांक। अब देखिए ऊपर वाले जो प्रयोग हमने किया था, ये वाला जो ऊपर किया था ए, इसमें दिखाया था कि बर्फ से जल कैसे बन रहा है,
ठोस से द्रव अवस्था कैसे बन रही है, इस प्रयोग में दिखा रहे हैं जल से गैसीय अवस्था कैसे बन रही है। एक जैसा ही चित्र है, देखने से ज्यादा नहीं पता चलेगा, बस वहां पे बर्फ ली थी हमने, यहाँ पे क्या लेंगे जल, और ऐसे ही नीचे से बर्नर से हम ऊष्मा देंगे, और थर्मामीटर लगाया हुआ और कांच की छड़ लगाई हुई है ये चेक करने के लिए कि कितना तापमान हो गया। टाइम टू टाइम हम तापमान चेक करते रहेंगे और इसको हिलाते रहेंगे, तो ये बीकर में जो जल है कुछ समय बाद पूरी तरह ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ से पानी बिल्कुल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं तो दो तरीके से होता है, तापमान को बदलकर या दाब में परिवर्तन करके। भाई तापमान कम ज़्यादा कर देंगे तो ठोस से द्रव या द्रव से गैस या उल्टा हो जाएगा, और दाब से भी होता है। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, नीचे से बर्नर से गर्म करेंगे तभी ठोस से द्रव, बर्फ से जल और द्रव से गैस, जल से वाष्प बनते रहे हैं, ठीक है। अब आता है कि जब ठोस से द्रव बनता है तो एक तापमान आता है जिसे बोलते हैं गलनांक। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है गलनांक, ऐसा तापमान जिस पर कोई भी ठोस द्रव में बदल जाता है, ऐसा तापमान जिस पर कोई भी ठोस द्रव में जब बदल जाएगा उस तापमान को क्या कहेंगे, गलनांक। मतलब वो ठोस पूरी तरह गल चुका है, इसे पिघलने का तापमान भी कह सकते हैं, कि कोई भी ठोस पिघल रहा है, ऐसे ही होता है क्वथनांक। एक जैसे हैं ये, कन्फ्यूज नहीं होना आप में इसमें। तो यह है उबलने का तापमान, जिस तापमान पर कोई भी द्रव गैस में बदल जाता है, कि जब पानी उबल उबल के और गैस बन जाए, सारा वाष्प में बदल जाए, उस तापमान को बोलते हैं उबलने का तापमान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो ये गलनांक होता है, गलनांक होता है पानी का जो गलनांक है वो कितना होता है, पानी का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको ये याद रखना है, हमेशा काम आएगा। 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है और 0 डिग्री पर पानी क्या करता है, जमने लगता है आप, या ये कह लो कि 0 डिग्री पर बर्फ जो है पिघलने लगती है, ठीक है। तो ये गलनांक और क्वथनांक की आपको याद रखने हैं। उसके बाद एक तापमान आता है, एक ऊर्जा आती है। आपने कभी नोट किया होगा कि हम जब किसी भी बीकर में हमने जल बर्फ ले रखी है और उसको हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि 0 डिग्री जब पहुंच जाएगा, थर्मामीटर से हम चेक कर रहे हैं, ये लगा दिया थर्मामीटर, तो जब 0 डिग्री पहुंच जाएगा उससे उस टाइम क्या होता है, सारी बर्फ पिघल के ये बनने लगती है, जल बनने लगती है, लेकिन पूरी तरह पिघली नहीं है। जब तक पूरी तरह नहीं पिघल जाएगी तब तक थर्मामीटर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और ज़्यादा नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये जो है, इस तरीके से हम कहते हैं कि जो भी पदार्थ, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जैसे बर्फ को और ज़्यादा तापमान दे रहे हैं नीचे से बर्नर से, लेकिन थर्मामीटर में 0 डिग्री ही आ रहा है और उसमें नहीं बदल रहा, जब तक ये बर्फ पूरी तरह पिघल के जल में ना बदल जाए। ये क्या है, आपकी बर्फ है और ये क्या है, जल। जब तक बर्फ पिघल के पूरी तरह जल में नहीं बदल जाती ना, 0 डिग्री रहेगा। पहले तो वो बढ़ रहा था धीरे धीरे करके, हम नीचे से गर्मी ऊष्मा दे रहे थे तो, लेकिन जब वो पिघलने लग जाएगी उस समय से लेके और जब तक वो पूरी तरह नहीं पिघल जाती, सारा जल नहीं बन जाता, तब तक तापमान एक जैसा रहता है। तो कहने की बात ये है कि हम नीचे से तो ऊष्मा दे रहे हैं और इसमें ऊष्मा नहीं बढ़ रही, इसमें तापमान नहीं बढ़ रहा, तो वो तापमान कहाँ जा रहा है, सारी की सारी वो ऊर्जा कहाँ जा रही है स्टूडेंट्स। ऐसा मानते हैं कि जो ये ऊर्जा है ये इसमें कहीं छुप जाती है बर्फ में, कि बर्फ उसको छुपा लेती है जब तक वो पूरी तरह जल नहीं बन जाती, तो इसे छुपी हुई ऊर्जा बोलते हैं, या आप इसे कह सकते हैं प्रसुप्त ऊष्मा। क्या कह सकते हैं, ये प्रसुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो प्रसुप्त ऊष्मा ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, कि ये ऐसी ऊष्मा है, 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो क्या कहलाती है, बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। आप इस तरीके से लिखेंगे इसकी परिभाषा, क्या कहलाती है, वो प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा कि 1 किलो ठोस के लिए हमने मान लिया और ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए 1 एटमोस्फियर दाब पर,
दाब का मात्रक है स्टूडेंट्स ये एटीएम एटमोस्फियर। क्या है ये? एटमोस्फियर, या बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। कि एक वायुमंडलीय दाब पर, समझ रहे हैं आप, एक एक वायुमंडलीय दाब पर एक किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो क्या कहलाती है? परसुप्त ऊष्मा। ये छुपी हुई ऊष्मा। कैसी ऊष्मा है? छुपी हुई। छुपी हुई क्यों है? क्योंकि थर्मामीटर में, तापमापी में तापमान नहीं बढ़ रहा, लेकिन हम नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, तो बर्फ उसे छुपा लेती है ताकि सारे के सारे वो जल में तब्दील हो जाए। तो ये छुपी ऊष्मा है परसुप्त ऊष्मा। तो ये तो है परसुप्त ऊष्मा गलनांक की। कैसी है ये? गलनांक की परसुप्त ऊष्मा। ऐसे ही होती है स्टूडेंट्स क्वथनांक की परसुप्त ऊष्मा। किसकी परसुप्त ऊष्मा? क्वथनांक की। तो इसे बोलते हैं गलनांक की परसुप्त ऊष्मा। और क्वथनांक की परसुप्त ऊष्मा की बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये परसुप्त ऊष्मा? कि ऐसे ही वो ऊष्मा जो द्रव को, एक किलो द्रव को वाष्प में बदलने के लिए चाहिए, गैस में तब्दील होने के लिए चाहिए, वो परसुप्त ऊष्मा गलनांक की, सॉरी क्वथनांक की कहलाती है। ये किसकी है? ये है गलनांक की परसुप्त ऊष्मा। ये गलनांक की परसुप्त ऊष्मा है। और एक किलो द्रव से गैस में तब्दील होने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, ऐसे ऐसे सेम सेम लिख लेना, उसे बोलते हैं क्वथनांक की परसुप्त ऊष्मा। क्या कहलाएगी वो? क्वथनांक की परसुप्त ऊष्मा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही सेम परिभाषा लिख लेना, एक किलो द्रव से गैस में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो क्या कहलाती है? क्वथनांक की परसुप्त ऊष्मा। क्वथनांक मैंने आपको बताया था उबलने का तापमान होता है जब द्रव गैस में तब्दील हो जाए। तो ये था स्टूडेंट्स की आपकी इन पे पदार्थ की अवस्थाओं पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो तापमान बढ़ाने से ठोस से द्रव, और ज़्यादा बढ़ाने से द्रव से गैस बन जाती हैं। ऐसे ही जब आप तापमान घटाएंगे तो गैस से द्रव और ठोस से द्रव से ठोस बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ठोस है, ठोस से क्या बन रहा है? द्रव बन रहा है, और द्रव से क्या बन रही है? गैस बन रही है। तो इस दिशा में तो लाने के लिए हमें जो है तापमान बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? ऊपर की तरफ तीर के निशान दिखा रही हूँ, तापमान बढ़ाना पड़ेगा जब ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनेगी, ऐसी स्थिति में। और अगर हमें गैस से इस तरफ आना है कि पहले द्रव फिर ठोस बनाना है, तो ऐसी परिस्थिति में तापमान जो है वो घटाना पड़ेगा। नीचे की तरफ चिन्ह दिखा रही हूँ तीर के निशान के। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। क्या है ये? इससे आपको समझ आ जाएगा कि तापमान से क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ की अवस्थाओं पर। कि जब ठोस से आप द्रव में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है? तापमान बढ़ाना है। द्रव से गैस में जा रहे हैं तो आपको तापमान बढ़ाना है, मतलब इस दिशा में जाएंगे तो तापमान बढ़ाना पड़ेगा, और इस दिशा में आएंगे वापस तो तापमान घटाना पड़ेगा। नीचे की तरफ मतलब क्या है कि तापमान हमें घटाना पड़ रहा है। तो ये था तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम करते हैं दाब का। ये देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही दाब का प्रभाव पड़ता है जैसे हमने तापमान का किया। अगर हमें ठोस से द्रव में जाना है और द्रव से गैस में बदलना है, ठीक है, तो हमें जो है इस तरफ तापमान बढ़ाना पड़ा था, लेकिन इस तरफ दाब जो है वो घटाना पड़ेगा। दाब क्या करना पड़ेगा? इस तरफ कम करना पड़ेगा। और इस तरफ अगर हम आएंगे, ये अवस्था अगर बनेगी, तो जो है दाब आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि किसी भी गैसीय अवस्था को द्रव में लेके आना है तो गैस में आप क्या देखते हैं? कणों का, कण जो है दूर दूर स्थित होते हैं, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है उनमें, और द्रव में रिक्त स्थान कम होता है। तो इतने ही कण अगर द्रव बनाएंगे तो हम थोड़े में आ जाएंगे, रिक्त स्थान इनके बीच में कम है थोड़ा सा। तो इनको संपीड़ित करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, और दबाएंगे किससे? दबाव डाल के, जैसे ये पिस्टन लगा दिया हमने, दबाव से इनको दाब देंगे तो ये दब जाएंगे। और अगर बिल्कुल ठोस बनाना ही नहीं तो ये इतने में आ जाएंगे, ठीक है, ये ठोस हो गया, और ज़्यादा दबाना पड़ेगा। तो दाब बढ़ाएंगे तो इस तरफ से इस तरफ चलेगी, गैस से द्रव और द्रव से ठोस, और दाब घटाएंगे तो इस तरफ से इस तरफ चलेगी।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि इधर जाना है, अवस्थाओं का परिवर्तन ऐसे करना है तो तापमान बढ़ाना पड़ेगा, दाब घटाना पड़ेगा, और ऐसे करना है तो दाब बढ़ाना पड़ेगा और तापमान आपको घटाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसे ही जैसे मैं आपको बना रही थी चित्र। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कण है गैस के, दूर दूर है, पिस्टन की सहायता से इनको दबा रहे हैं सिलेंडर में। सिलेंडर है, ये बन गई द्रव, थोड़े नज़दीक आगे और ज़्यादा नज़दीक आगे तो ये बन गया ठोस। तो दाब के परिवर्तन से गैस से द्रव और द्रव से ठोस बना सकते हैं, लेकिन क्या परिवर्तन कर रहे हैं, दाब को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर है ये, बढ़ा रहे हैं प्रेशर को। ठीक है, ये हो गया आपका दाब परिवर्तन। अब देखिए इसी में एक उदाहरण आता है आपका, दाब वाले में ही क्या आता है, ठोस CO2। CO2 आप सभी ने पढ़ी होगी, गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये ठोस भी होती है, जिसे कहते हैं शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ, भाई ठोस है ये। अगर आपको इसको सीधा गैस CO2 में बदलना है, आपको इसको सीधा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठोस से गैस में जा रहे हैं तो आपको दाब जो है घटाना पड़ेगा, इस तरफ नीचे की तरफ तीर के निशान आ जाएंगे। लेकिन ये बनी कैसे, ये ठोस CO2, ये बनी जो गैसीय CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी गैस के रूप में, उस पे हमने बहुत ज्यादा दाब डाल दिया, बहुत ज्यादा दाब में उसको रखते हैं, जैसा ऊपर हमने दिखाया था गैस से ठोस बनाएंगे तो बहुत ज्यादा दाब में रखेंगे, दबाव में रखेंगे उसे, और वो क्या बन जाती है, ठोस बन जाती है। इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहेंगे इसको अंग्रेजी में। तो इसको हम स्टोर करके रखते हैं, ड्राई सूखा क्यों कहा इसको, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, नमी नहीं है। तो इसके बारे में एक नंबर में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, तो ये हो गया दाब परिवर्तन का प्रभाव। और लेकिन ये जो कार्य है ना, ये सारा का सारा होगा एक एटमोस्फियर दाब पर, किस पर होगा, एक एटमोस्फियर दाब पर, कि जब आप ठोस से गैस बना रहे हैं, ये जो प्रक्रिया हो रही है उसमें दाब घटा घटा के कितना पहुंचाना है, एक एटमोस्फियर पहुंचाना। एक एटमोस्फियर होता है वायुमंडलीय दाब, कि जहां आपका समुद्र है ना, मान लो ये समुद्र का लेवल है, वहाँ पे हवा का कितना दाब है, वहाँ पे जो वायुमंडल में हवा का दाब जो होता है वो क्या, वो कितना होता है, वहाँ पर होता है एक एटमोस्फियर। एटमोस्फियर इसका मात्रक है, एटमोस्फियर वायुमंडल को बोलते हैं। तो सॉरी, वहाँ पे होता है ये एक, ठीक है, एक एटमोस्फियर होता है उधर। ये देखिए आप, एक एटमोस्फियर होता है समुद्र के लेवल पे वायुमंडल में हवा का दाब, तो उसके इसको कम से कम मानते हैं, तो इतना लाना पड़ता है ठोस CO2 को गैस CO2 में बदलने के लिए। तो ये शुष्क बर्फ आपकी ड्राई आइस, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से है ये। तो ये हो गया दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एक और प्रक्रिया आती है, ये आ गई आपकी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होती है प्रक्रिया, कि किसी भी ठोस से सीधा गैस बना दे बिना द्रवीय अवस्था में आए, द्रवीय अवस्था को बीच से गायब कर दिया, ठोस से द्रव गैस बन गया सीधा, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और इसके उदाहरण है, एक तो है आपका कपूर, कैम्फर जिसे कहते हैं, कपूर इस तरीके से बन जाता है ठोस से गैस, और एक होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये, अमोनियम क्लोराइड। तो ये किसके उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन के। मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, ये देखिए ऊर्ध्वपातन को समझाया हुआ है यहाँ पे, कि नीचे से बर्नर से गर्म कर रहे हैं, और चाइना डिश में कपूर ले लिया, या अमोनियम क्लोराइड आप ले सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड ले लो या कपूर ले लो। तो यहाँ पे देखो दो दो निशान दे रखे हैं, कि ठोस बना अमोनियम क्लोराइड और वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड। कि ठोस तो हमने पहले से ही ले लिया था चीनी मिट्टी के प्याले में, चाइना डिश कहते हैं इसे। इसके ऊपर एक कीप उल्टी करके रख दी है, ये क्या रख दिया, कीप उल्टी करके रख दिया, और उसके मुंह पे इस पे पीछे फंसा दिया, एक रुई का टुकड़ा लगा दिया हमने। तो आप क्या देखेंगे, इसी में ठोस भी और इसी में वाष्प भी है, तो गर्म करने से ये ठोस से सीधा वाष्प में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन है ये। क्या है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस से सीधा गैस बन रही है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, की जो है तापमान और दाब का दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ की अवस्थाओं पर। उसके बाद एक टॉपिक बचता आपका छोटा सा, जो ये तापमान है। तापमान का आपको बच्चों पता होगा कि जो SI मात्रक होता है इसका तापमान का, वो क्या है, वो होता है केल्विन। क्या होता है वो, केल्विन, के से लिखते हैं केल्विन को, लेकिन इसको डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, डिग्री केल्विन में भी मापते हैं। ये दो मात्रक हैं, SI मात्रक है केल्विन, के से लिखते हैं।
और ये डिग्री सेल्सियस आपने देखा होगा, कहते हैं हमारे शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट में भी मापते हैं, ये एक और तीसरी यूनिट आ गई, डिग्री एफ, डिग्री सी, डिग्री के, डिग्री एफ, इन तीन तरीके से लिखते हैं, तीन मात्रक हैं ये। डिग्री सेल्सियस क्या है ये? डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस होता है ये, हिंदी में ऐसे लिखेंगे सेल्सियस, और डिग्री केल्विन। डिग्री फारेनहाइट इतना आपके सिलेबस में नहीं है, तो इनको एक से दूसरे में बदलते हैं कि भाई सेल्सियस से केल्विन बनाना है आपको या केल्विन से सेल्सियस बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना होगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है 273 केल्विन के बराबर। अपने आप सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 273 डिग्री केल्विन के बराबर। इसलिए आपको जब सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ दो, और केल्विन से जब सेल्सियस में बदलना हो तो 273 घटा दो। ऐसे जैसे हम मान ले 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस के केल्विन बनाओ, तो इसमें क्या करेंगे आप, 273 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 283। क्या हो गया ये? 283 केल्विन हो जाएंगे। समझ रहे हो? इधर से इधर जाना है, सेल्सियस से केल्विन बनाने हैं तो 273 जोड़ने हैं, केल्विन से सेल्सियस बनाना है तो 273 माइनस करने हैं। तो आप कोई भी ले लीजिए, मान लो आपको 500 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, 500 केल्विन को, तो सीधा इसमें से क्या करो आप, 273 माइनस कर दो, ये हो गया 227। तो ये 227 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, केल्विन में बदल दिया, सॉरी इसको केल्विन से हमने किस में बदल दिया, सेल्सियस में बदल दिया। तो 273 घटाएंगे और सेल्सियस से केल्विन में बनाना होगा तो 273 जोड़ देंगे। तो ये आसान से सवाल हैं आपके। तो ये देखिए, आपके 3-4 प्रश्न दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तिका में कि 300 केल्विन को किस में बदलना है, सेल्सियस में, 573 केल्विन को किस में बदलना है, सेल्सियस में। तो केल्विन से सेल्सियस में मैंने कैसे बताया स्टूडेंट्स कि इसमें क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे। देखिए आप 300 में से 273 माइनस कर दो, 573 में से 273 माइनस कर दो, या हो गया आपका 573, 273 माइनस कर देंगे 300, 300 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, और 300 में से 273 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, सत्ताईस डिग्री सेल्सियस। इसका 27 आ गया उत्तर और इसका उत्तर आ गया 300। अब है इन सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, इसमें 273 आप जोड़ दो, ये तो हो गया सीधा 373, इसमें भी जोड़ देना। अब आ गया तीसरा प्रश्न, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ये मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब अवस्था बदल जाती है, जैसे ठोस से जब द्रव बन रहा है, बर्फ से जब जल बन रहा है, तो जब वो पिघलनी शुरू होगी ना, उस दौरान से लेके जब तक वो पूरी तरह नहीं पिघल जाएगी, तापमान स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो कहाँ चली गई, वो ऊष्मा चली गई छुपे हुए रूप में, जिसको प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाई है, तो गैसों से द्रव बनाने के लिए अभी मैंने आपको बताई थी कौन सी विधि होती है, या तो आप गैस से द्रव बना रहे हैं तो दाब को बढ़ा दीजिए, या फिर तापमान जो है वो कम कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गैस से द्रव बन जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपकी 9th चैप्टर 1st में एक टॉपिक बचा है, वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।